नमस्कार दोस्तों, मैं साहब सिंह यादव स्वागत करता हूं आप लोगों का। दोस्तों, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में जेड ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के बारे में अध्ययन किया, पढ़ा उनको, समझा उनको। अब हम जेड ट्रांसफॉर्म को आगे बढ़ाते हैं। स्टार्टिंग करते हैं हम, लेट एक्स एन इज इक्वल टू डेल एन। इस सिग्नल का हमें फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। दोस्तों, एक्स एन इज इक्वल टू डेल एन का फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखते हैं हम फूरियर ट्रांसफॉर्म का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जो हमें पता है, n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, ये हो जाएगा एक्स एन की जगह डेल एन जेड पावर माइनस एन। देखिए दोस्तों, आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि डेल एन इंटू कोई भी फंक्शन, डेल एन इंटू एनी फंक्शन इज इक्वल टू डेल एन इंटू That value of that function at n is equal to 0 होता है। यह हम आपको पहले बता चुके हैं। क्यों? क्योंकि del n की value 1 केवल n is equal to 0 पे होती है, बाकी सब जगह इसकी value कितनी होती है? 0 होती है। तो बाकी हर point पे ये function कुछ भी बना रहे, कितना आना है? 0, 0। और इस पॉइंट पे कितना आ जाएगा? जो यहाँ पे n इज इक्वल टू जीरो पे जो इसकी वैल्यू होगी वो किस में मल्टीप्लाई हो जाएगा? डेल n में। तो कुछ लोग ये सोचते होंगे कि क्यों नहीं इसे h जीरो लिखा जाता। अगर हम इसे h जीरो लिख देंगे तो h जीरो इज कॉन्स्टेंट वैल्यू, इट डजंट डिपेंड ऑन n। इसका मतलब हो जाएगा कि हर पॉइंट पे h जीरो, जबकि यहाँ h जीरो केवल किस पे मिल रही? n इज इक्वल टू जीरो, इसलिए इसको हम इसके इक्वल नहीं लिखते हैं। ध्यान रखना, इसे डेल ऑफ एन इंटू एच जीरो ही लिखना है, आप इसे वन मत मान लेना। अगर आपने वन माना और ये आ गया एच जीरो, तो इसका मतलब है ये एन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, एन की हर वैल्यू के लिए एच जीरो हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये केवल एन इज इक्वल टू कितने? डेल एन ये बताता है कि एन इज इक्वल टू जीरो पे वन, बाकी सब जगह जीरो। तो जब ये इसमें मल्टीप्लाई होगा तो हमें पता चलेगा कि एच जीरो वैल्यू केवल किस पे है? एन इज इक्वल टू जीरो पे, बाकी सब जगह वैल्यू कितनी है? जीरो है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम। हमें पता चला है कि यहाँ पे अगर हम इसे एक फंक्शन एच एन मान लें तो एन की जगह जीरो, तो एच जीरो है, मतलब जेड पावर जीरो कितना हो जाएगा? वन हो जाएगा। n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट डेल n, डेल n का समेशन हम पहले ही आपको बता चुके हैं कितना होता है? 1 होता है। इसका मतलब z ट्रांसफॉर्म कितना हुआ डेल n का? 1 हुआ। क्या ये z की किसी वैल्यू पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा? हर वैल्यू पे एग्जिस्ट कर रहा है, यानी कि इसका ROC क्या होगा? एंटायर z प्लेन, पूरा का पूरा z प्लेन इसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा डेल एन का। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n की। देखिए, x ऑफ n इज इक्वल टू u ऑफ n, इसका z ट्रांसफॉर्म निकाल के देखते हैं दोस्तों कितना आएगा। समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट, x ऑफ n की जगह u ऑफ n आ जाएगा, z पावर माइनस n। हमें पता है दोस्तों कि u ऑफ n की वैल्यू n इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 के लिए तो 1 होती है। u ऑफ n को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज इक्वल टू 1 फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड 0 फॉर n लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यू के लिए 0 होता है। यानी ये कहां से स्टार्ट हो जाएगा? 0 से इनफाइनाइट, कितना वैल्यू? 1 इंटू जेड पावर माइनस एन। एक्स ऑफ जेड इज इक्वल टू, एन इज इक्वल टू जीरो रखोगे तो जेड पावर जीरो वन, प्लस एन की वैल्यू वन रखोगे तो जेड इनवर्स, जेड पावर माइनस टू, जेड पावर माइनस थ्री, प्लस एन सोन। देखते जाना दोस्तों यहां अच्छे से, ये एक जीपी सीरीज बन गई है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस एन सोन। अगर r ग्रेटर देन 1 होता है तो इसका समेशन जो है वो हमेशा कितना आएगा? इनफाइनाइट आएगा। इफ देन इसकी जो वैल्यू है वो कितनी आएगी? इनफाइनाइट। मोड ऑफ r, इसकी मैग्नीट्यूड अगर ग्रेटर देन 1 है तो देखिए स्क्वायर क्यूब और पावर बढ़ती जाएगी तो ये क्या होता जाएगा? इनफाइनाइट की तरफ। इफ मोड ऑफ r इज लेस देन 1 है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड क्या है? 1 से छोटी है, तो हम बोलेंगे कि इसी का जो सॉल्यूशन होता था वो हमें पता है क्या आता है? e अपॉन 1 माइनस r, इनफाइनाइट सीरीज, जीपी, ज्योमेट्रिक मीन
जीपी सीरीज का, इनफाइनाइट सीरीज का जो समेशन आता है वो आता है ए अपॉन वन माइनस आर। तो यहाँ देखिए आर क्या है, जो चीज बार बार मल्टीप्लाई हो रही है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं आर इज इक्वल टू क्या है, जेड इनवर्स। तो यहाँ से देखिए इसका समय, और ए इज इक्वल टू कितना है, वन, कितना आ जाएगा, वन अपॉन वन माइनस जेड इनवर्स, एंड मॉड ऑफ जेड इनवर्स इज लेस देन वन। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे हम बढ़ेंगे तो x ऑफ z इज इक्वल टू ये हो जाएगा, z इनवर्स को 1 अपॉन z लिख सकते हैं, तो z ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ आ जाएगा z माइनस वन, और ये 1 अपॉन मॉड z लेस देन 1, तो इसी को लिख सकते हैं z अपॉन z माइनस वन और मॉड z ग्रेटर देन 1। देखिए दोस्तों इसका पोल कितना है, पोल z इज इक्वल टू 1 आएगा, तो ROC क्या आ रहा है, मॉड z ग्रेटर देन 1। हमने बताया था कॉजल सिस्टम का आरओसी जो है वो क्या आएगा, ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट पोल, यहाँ एक ही पोल है तो ग्रेटर देन पोल, तो ये हम बोल सकते हैं आरओसी इसका ग्रेटर देन पोल है, तो ये सिस्टम कॉजल है। और हमें पता भी है यू ऑफ एन जो है वो कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करता है, एन की पॉजिटिव वैल्यू के लिए, और निगेटिव वैल्यू के लिए कितना होता है, जीरो होता है। इसका मतलब है ये सिस्टम कॉजल सिस्टम है। साथ साथ हमने आपको बताया था अगर आरओसी में मॉड जेड जो आरओसी है उसमें अगर यूनिट सर्किल नहीं आ रहा है, यानी कि वन उसमें कंसिस्ट नहीं है, उसमें नहीं आ रहा है, देन दैट सिस्टम विल बी अनस्टेबल। तो यहाँ देखिए जेड मॉड जेड ग्रेटर देन वन है, तो इसमें वन तो नहीं है, मतलब ये अनस्टेबल होना चाहिए। लेकिन हमने आपको एक एडवांस एडिशनल कॉन्सेप्ट बताया था लाप्लास में कि अगर आरओसी जस्ट ग्रेटर देन जीरो हो या जस्ट लेस देन जीरो हो तो वो मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन होती है। अगर मार्जिनली स्टेबल उसमें ऑप्शन में ना हो तो हम बोलेंगे दिस सिस्टम इज अनस्टेबल। तो ये भी हमारा क्या है, मार्जिनली स्टेबल की कंडीशन है, क्योंकि वहां ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो लाप्लास में, और जेड ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, ग्रेटर देन वन या लेस देन वन, क्योंकि हमने बताया था लाप्लास की इमेजिनरी एक्सिस जेड ट्रांसफॉर्म में यूनिट सर्किल में कन्वर्ट हो जाती है। तो जो काम वहां पे जीरो पर है, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो का है, वही काम यहाँ पे मॉड जेड इज इक्वल टू वन का है। तो अगर वहां जीरो से ग्रेटर या लेस है आरओसी जस्ट, तो वो मार्जिनली होगा। तो यहाँ मॉड जेड ग्रेटर या लेस है जस्ट अगर वन से, तो वो मार्जिनली स्टेबल होगा। अगर मार्जिनली स्टेबल ऑप्शन में नहीं हो तो हम उसे अनस्टेबल की कैटेगरी में ले जा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा यू एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म आया है वो आया है जेड अपॉन जेड माइनस वन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहते हैं जो हमने आपको लाप्लास में भी बताई थी। एक क्वेश्चन लेते हैं, माइनस यू ऑफ माइनस एन माइनस वन। अच्छा दोस्तों यहाँ पे एक चीज याद रखना, अगर वो चीज आपने समझ ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। और वो चीज क्या है, हमने आपको बताया था कि एफ टी इंटू यू टी का जो लाप्लास होता है वो अगर मान लीजिए वाई ऑफ एस आया, तो माइनस एफ ऑफ टी यू ऑफ माइनस टी का लाप्लास भी वाई ऑफ एस ही आएगा। सेम लाप्लास आता है दोनों का, बस आरओसी डिफरेंट होंगे, क्योंकि ये क्या है कॉजल को शो करता है और ये क्या है एंटी कॉजल को शो करता है। अब दोस्तों हम आपको बता दें कि यू टी का ग्राफ ये होता है, यू ऑफ माइनस टी का ग्राफ ये होता है। कंटिन्यूस में जीरो के जस्ट पहले एंटी कॉजल हो जाएगा, जीरो के जस्ट बाद हमारा कॉजल हो जाएगा, और जीरो पे तो यहाँ डिसकंटिन्यूस पॉइंट है तो इसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं डिस्क्रीट की, तो डिस्क्रीट में ये तो है यू ऑफ एन, और यू ऑफ माइनस एन की अगर हम बात करें तो यू ऑफ माइनस एन ये होगा। देखिए ये तो कॉजल दिख रहा है हमें, क्योंकि प्रेजेंट पे भी डिपेंड कर रहा है और इधर पास्ट कहलाता है। जिसको नहीं पता वो सिस्टम हमारा जो सिस्टम के वीडियोस थे वो टाइप्स ऑफ सिस्टम के वीडियो देख लें, इधर वाला फ्यूचर, इधर वाला पास्ट, ये प्रेजेंट। तो ये तो कॉजल है क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट पे डिपेंड कर रहा है, प्रेजेंट पास्ट पे डिपेंड करे तो कॉजल कहलाता है। लेकिन यू ऑफ माइनस एन को आप देखोगे तो ये भी प्रेजेंट और फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, और प्रेजेंट और फ्यूचर पे डिपेंड करे तो नॉन कॉजल कहलाता है, यानी कि इसे हम एंटी कॉजल नहीं ले सकते, जबकि ये क्या था हमारा एंटी कॉजल था। तो अब एंटी कॉजल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, शिफ्टिंग करना पड़ेगा। तो वो शिफ्टिंग कैसे आएगी, देखिए हम क्या बोलते हैं, यू ऑफ एन है आपके पास,
आप u of n में नेगेटिव शिफ्टिंग कर दीजिए। नेगेटिव शिफ्टिंग कहाँ होती है? राइट वर्ड। तो ये जो यहां पे ऐसे आ रहे थे वो कहां से स्टार्ट होंगे? वन से, और यहां पे क्या हो जाएगा? जीरो जीरो जीरो, ये हो गया n, एंड सो ऑन टू थ्री, ये आ गया u ऑफ माइनस n माइनस वन। अब आप कर दीजिए फोल्डिंग। फोल्डिंग का मतलब होता है n की जगह माइनस n रखना। जिसको ये चीज समझ में ना आए वो हमारी शिफ्टिंग और स्केलिंग प्रॉपर्टी जरूर देख लें। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा इधर, ये वाला इधर, ये वाला इधर, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री एंड सो ऑन। देखिए दोस्तों, ये जो u ऑफ माइनस एन माइनस वन है ये केवल और केवल फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है। प्रेजेंट में तो इसकी वैल्यू क्या है? जीरो। तो ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एंटी कॉजल। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जो चीजें हम लाप्लास में हमने बोला था कि एफ टी यू टी का अगर लाप्लास ये है तो माइनस एफ टी यू ऑफ माइनस टी का लाप्लास ये आएगा। लेकिन जेड ट्रांसफॉर्म में ध्यान रखना हमें क्या कि अगर f ऑफ n u ऑफ n का z ट्रांसफॉर्म y ऑफ z है तो माइनस f ऑफ n u ऑफ माइनस n माइनस 1 का z ट्रांसफॉर्म भी y ऑफ z होगा। ROC चेंज हो जाएगा। ध्यान रखना यहां u ऑफ माइनस n नहीं लिखना है, u ऑफ माइनस n माइनस 1 लिखना है। तो ध्यान रखना ut इज इक्विवेलेंट टू un एंड u ऑफ माइनस t इज इक्विवेलेंट टू u ऑफ माइनस n माइनस 1। अगर ये समझ गए तो आपका कभी गलत नहीं होगा। तो इस लॉजिक के हिसाब से इसका जो z ट्रांसफॉर्म है वो आना चाहिए, जो z ट्रांसफॉर्म किसका आया है? u ऑफ n का, यानी कि z अपॉन z माइनस 1। एक बार हम प्रूफ करा देते हैं, इसके बाद आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए दोस्तों, अगर हम x ऑफ z निकालें इसका तो समेशन ऑफ n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट माइनस u ऑफ माइनस n माइनस 1 और ये z पावर माइनस n। अब भी हमने u ऑफ माइनस n माइनस 1 का ग्राफ अभी बनाया था, माइनस 1 माइनस 2 एंड सो ऑन पे वैल्यू क्या थी इसकी? 1 1 वैल्यू थी, लेकिन इस पॉइंट पे वैल्यू 0, इस पॉइंट पे 0, इस पॉइंट पे सब पे 0 वैल्यू थी। तो आप बताइए यहाँ पे कहाँ से माइनस 1 और माइनस इनफाइनाइट के बीच में? तो क्या हम ये माइनस बाहर निकाल लेते हैं? n इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से माइनस 1 तक इसकी वैल्यू कितनी थी? 1 थी, और बाकी जगह पे वैल्यू कितनी थी हमारी? 0 थी। लिमिट को आपको याद होगा इंटीग्रेशन में हम लिमिट इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आ जाता है, लेकिन समेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंटीग्रेशन में जब लिमिट पुट करते हैं तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखते हैं, तो जब लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो एक माइनस बाहर आएगा। जबकि इसमें समेशन में क्या होता है, आप 2+3 लिखो या 3+2 लिखो कोई अंतर आएगा क्या? तो लिमिट हम डायरेक्ट इंटरचेंज कर ले तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये हो जाएगा z पावर माइनस n। अब इसे देखिए दोस्तों, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? माइनस कॉमन लिया, n की वैल्यू माइनस 1 रखेंगे तो ये आएगा z पावर 1, फिर माइनस 2 रखेंगे z स्क्वायर, z क्यूब प्लस एंड सो ऑन। तो हमें क्या मिल गया? हमें पता चल गया कि x ऑफ z जो निकला है वो आया है हमारा माइनस यही का यही दिख रहा है जीपी, और जीपी में अभी हमने देखा था कि इनफाइनाइट जीपी सीरीज अगर होगी, जीपी सीरीज तो मोड ऑफ आर, यहां देखिए आर की वैल्यू कितनी हो गई? जेड, हर बार जेड का मल्टीप्लाई है तो मोड ऑफ आर जो है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 1 होना चाहिए। देन आंसर आपका आएगा, ये वैल्यू ए की है, आंसर आएगा ए यानी कि जेड अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर की वैल्यू कितनी है? z, लेकिन कंडीशन क्या है? मोड ऑफ r लेस देन 1, यहाँ r क्या है? z, तो मोड ऑफ z लेस देन 1, तो ये कितना आ जाएगा? माइनस का यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, z अपॉन z माइनस 1, ROC वही रहा, मोड ऑफ z लेस देन 1। देखिए तो हमें क्या समझ में आया, देखिए यही z ट्रांसफॉर्म निकला था un का और यही z ट्रांसफॉर्म किसका निकला है? माइनस u ऑफ माइनस n माइनस 1 का, बस ROC चेंज हो गया। देखिए यहाँ पे लेस देन 1 है मोड ऑफ z। तो ये एंटी कॉजल सिस्टम हुआ पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें यूनिट सर्कल एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो हम अनस्टेबल बोलेंगे, लेकिन अगर ऑप्शन मार्जिनली स्टेबल है तो ध्यान रखना जस्ट लेस देन 1 के लिए, जस्ट लेस देन 1 या जस्ट ग्रेटर देन 1 अगर ROC हो तो वो मार्जिनली स्टेबल होता है। मार्जिनली स्टेबल हम बार बार बोल रहे हैं, अनस्टेबल का ही ये पार्ट है। अगर ऑप्शन में मार्जिनली स्टेबल नहीं है तो आप अनस्टेबल टिक करोगे, अगर अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल दोनों है तो आप स्पेशल केस में मार्जिनली स्टेबल आंसर लगाओगे। चलिए, तो ये हो गया हमारा u ऑफ माइनस n माइनस 1 का
z ट्रांसफॉर्म। अब हम एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पे आते हैं। हमने आपको बताया था a पावर n x ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म होता है वो कितना बताया था हमने, x ऑफ z अपॉन a, मतलब क्या हो जाता है, z की जगह z अपॉन a हम लिख देते हैं। तो चलिए इसको आगे देखते हैं कैसे करना है। इसको एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट हमने दे दिया 2 टू दी पावर n, यहां पे हम एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन लिखते हैं xn इज इक्वल टू a पावर n u ऑफ n। आपसे पूछा इसका z ट्रांसफॉर्म भी निकालिए, साथ साथ ये भी बताइए कि अगर सिस्टम स्टेबल होगा तो a की क्या रेंज होगी, अनस्टेबल होगा तो a की क्या रेंज होगी, और मार्जिनली स्टेबल होगा तो a की क्या रेंज होगी। तो चलिए देखते हैं। इसके हिसाब से हमें पता है u ऑफ n का जो z ट्रांसफॉर्म है वो होता है z अपॉन z माइनस 1, और यहाँ पे ROC अभी निकाला था क्या, mod z greater than 1। अगर हम a पावर n into u ऑफ n करते हैं तो हम बोलेंगे कि z की जगह, अभी स्केलिंग जो प्रॉपर्टी हमने लिखी है, z की जगह क्या हो जाएगा, z अपॉन a, यहाँ भी z की जगह z अपॉन a माइनस 1। और हमने आपको बताया था कि आपको ROC अलग से रटने की जरूरत नहीं है, जिस प्रॉपर्टी में Z के साथ जो भी हो मल्टीप्लाई डिवाइड वही चीज आपको ROC में कर देना है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, मॉड Z अपॉन A कितना आ जाएगा आपका, यहां से देखिए ये Z माइनस A हो जाएगा, A से A कैंसिल, Z अपॉन Z माइनस A और ROC आ गया मॉड Z ग्रेटर देन मॉड A। ये आपका ROC आ गया किसका, A पावर N U ऑफ N का, ROC और Z ट्रांसफॉर्म। अब हम बात करते हैं, पहले तो ये देख लीजिए पोल कितना है इसका, पोल है Z is equal to A और ROC greater than magnitude of pole है, यहाँ magnitude देखी जाती है, लाप्लास में देखा जाता है real part, greater than है तो ये तो confirm है, ये causal system है, पहली चीज ये तो confirm ही है, causal है, A की value कुछ भी बनी रहे ये causal है क्योंकि mod है। अब हम बात करते हैं stable, unstable और marginally stable। देखिए दोस्तों, अगर मोड ऑफ ए ग्रेटर देन 1 कोई भी वैल्यू है, ग्रेटर देन 1 का मतलब है एक से बड़ी कोई भी वैल्यू, लाइक हम 1.1 रखते हैं, जब यहां 1.1 रखेंगे तो मोड जेड क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1.1, तो क्या इसमें 1 आ रहा है, यूनिट सर्किल आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, देन हम बोलेंगे सिस्टम इज अनस्टेबल क्योंकि यूनिट सर्किल नहीं आ रहा है, कब, जब मोड ए ग्रेटर देन 1 है। मॉड ए ग्रेटर देन 1 है का मतलब क्या होगा, कोई बता सकता है, देखिए ये प्लस 1 ये माइनस 1, इससे कोई भी बड़ी वैल्यू अगर हम रखेंगे तो मॉड ए ग्रेटर देन 1 मिलेगा, इससे कोई भी छोटी वैल्यू लाइक हम माइनस 2 रख दें उसका मॉड भी क्या होगा ग्रेटर देन, माइनस 3 रख दें उसका भी मॉड क्या होगा ग्रेटर देन। यानी कि इसको हम एक और तरीके से लिख सकते हैं कि either a is greater than 1 और a is less than minus 1, दोनों केस में सिस्टम क्या होगा अनस्टेबल होगा। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया यहां की बात, अगर मॉड a हमारा है less than 1, एक से छोटी कोई भी वैल्यू रख दो लाइक 0.9 रख देते हैं, यहां 0.9 रखेंगे तो मॉड z अगर greater than 0.9 है, 0.9 से mod z अगर हमारा बड़ा है तो कंफर्म है कि उसमें 1 तो आ जाएगा, मतलब यूनिट सर्किल आ जाएगा, एक से छोटी कोई भी वैल्यू यहां रखोगे तो ROC होगा ग्रेटर देन दैट वैल्यू, तो उसमें 1 कंसिस्ट करेगा, उसमें 1 आएगा, मतलब सिस्टम हमेशा क्या होगा स्टेबल। तो इस केस में सिस्टम क्या होगा स्टेबल होगा, कब, जब मॉड ए लेस देन 1, और मॉड ए लेस देन 1 का हो सकता है या तो 0 और 1 के बीच में कोई वैल्यू हो या 0 और माइनस 1 के बीच में भी कोई वैल्यू होगी तो उसका मॉड भी क्या होगा लेस देन 1 होगा। तो हम इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि a is in between माइनस 1 टू प्लस 1, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा हमारा स्टेबल सिस्टम कहलाएगा। तीसरी चीज हम यहीं पे बोलते हैं कि अगर हमने रख दिया a is equal to either प्लस 1 और a is equal to minus 1, तो यहाँ पे जब mod लोगे तो आप exact 1 आ जाएगा, तो ROC will be exact क्या होगा हमारा greater than 1, मतलब just greater than 1, चाहे minus 1 रखें चाहे plus 1, mod होगा plus 1, तो ROC हो जाएगा just greater than 1। तो इस केस में हम क्या बोल देंगे, system is
मार्जिनली स्टेबल, और अगर ये मार्जिनली स्टेबल ऑप्शन में नहीं है तो इस केस को भी हम क्या मान के चलेंगे, अनस्टेबल सिस्टम। तो इस प्रकार से ए पावर एन इंटू यू एन का आर ओ सी जेड ट्रांसफॉर्म, और हमने स्टेबिलिटी कॉजलिटी पता की। अगर हम एक और क्वेश्चन दे दें, एक्स एन इज इक्वल टू माइनस ए पावर एन यू ऑफ माइनस एन माइनस वन, अगेन हम आपसे बोल रहे हैं वही चीज, आप बोलोगे इसका z ट्रांसफॉर्म वही आएगा जो किसका आया था z ट्रांसफॉर्म, a पावर n इंटू यू एन का। तो x ऑफ z इज इक्वल टू आएगा z अपॉन z माइनस a, बस ROC क्या हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी कॉजल है तो होगा लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ पोल। और यहां पे फिर से वही चीज, आप देखिए जरा, यहां प्लस वन यहां माइनस वन, पहली चीज हम बोलते हैं मॉड a ग्रेटर देन वन, ग्रेटर देन वन का मतलब है या तो इधर की वैल्यू या इधर की, माइनस टू रखोगे तब भी तो ये ग्रेटर देन वन होगा मॉड, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं कि a या तो हो ग्रेटर देन वन और a लेस देन माइनस वन हो, दोनों केस में मॉड a ग्रेटर देन वन आएगा। और अगर एक से बड़ी मैग्नीट्यूड आ रही है यहां, एक से बड़ी लाइक 1.1, 1.2, 1.3, ROC क्या है, लेस देन दिस वैल्यू। अब जब यहां एक से बड़ी वैल्यू है तो उस बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू हमें पता करना है, मॉड z क्या है, लेस देन दिस वैल्यू, ये वैल्यू लाइक 1.1 है, तो इससे छोटी वैल्यू में 1 आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा, यूनिट सर्किल एग्जिस्ट करेगा, तो इस केस में सिस्टम हो जाएगा हमारा स्टेबल। साथ साथ ध्यान रखना ROC लेस देन पोल है तो ये एंटी कॉजल तो हो ही गया है। दूसरी चीज हम बोलते हैं, अगर हमने बोला मॉड a लेस देन वन, तो लेस देन वन मैग्नीट्यूड लेस देन वन कब होगी, जब या तो जीरो से वन हो a या जीरो से माइनस वन, तो हम इसी को इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि a इन बिटवीन प्लस वन टू माइनस वन। जब इस केस में हम कोई भी वैल्यू रखेंगे तो मॉड a यानी कि a की मैग्नीट्यूड लेस देन वन आएगी, एक से छोटी कोई भी वैल्यू है ROC उससे भी छोटा है, तो जब ये एक से छोटी है तो इससे छोटे में क्या वन आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, अगर यही यूनिटी है तो इससे छोटी वैल्यू तो और छोटी होगी, तो यूनिटी इसमें यूनिट सर्किल नहीं आएगा, तो इस केस में सिस्टम हो जाएगा अनस्टेबल, ये अनस्टेबल सिस्टम हो गया। अगर हम यहीं पे तीसरी चीज मॉड ऑफ a इज इक्वल टू वन यानी कि a इज इक्वल टू आइदर प्लस वन और a इज इक्वल टू माइनस वन रखते हैं तो हम बोलेंगे ROC विल बी, देखिए चाहे माइनस वन रखो चाहे प्लस वन रखो दोनों केस में मॉड z लेस देन वन हो जाएगा क्योंकि मॉड लेना है, लेस देन वन, जस्ट लेस देन वन, तो ये क्या कहलाएगा, मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, मार्जिनली स्टेबल। अगर मार्जिनली स्टेबल ऑप्शन में नहीं है तो हम फिर से आपसे बोलेंगे इसी को हम क्या बोलेंगे, इसको अनस्टेबल सिस्टम बोलेंगे। तो इस टाइप से ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। लाइक हमने आपसे बोला कि एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू ए पावर, हमने बोला 2 टू दी पावर माइनस मॉड ऑफ एन, 2 टू दी पावर माइनस मॉड ऑफ एन, हमने बोला आपसे कि इसका आप जेड ट्रांसफॉर्म निकाल के बताइए। तो ये तो अब आप लोगों को बहुत आसान हो गया होगा, आप सभी को पता है कि एन ग्रेटर देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू एन रहेगी, तो ये 2 टू दी पावर माइनस एन है, n लेस देन जीरो के लिए इसकी वैल्यू माइनस एन हो जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या हम इसी को ऐसे लिख सकते हैं, x ऑफ n इज इक्वल टू 2 टू दी पावर माइनस एन को हम 1 अपॉन 2 टू दी पावर n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। n ग्रेटर देन जीरो को क्या हम u ऑफ n लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस 2 टू दी पावर n, n लेस देन जीरो, ध्यान रखना दोस्तों यहां पे हम क्या लिखेंगे, अब देखिए दोनों केस में इक्वल टू हम इस पे भी लगा सकते हैं, इस पे भी लगा सकते हैं, देखिए चाहे इक्वल टू जीरो इस पे लगाओ तो 2 टू दी पावर जीरो कितना आएगा 1, चाहे इक्वल टू जीरो इस पे लगाओ तो 2 टू दी पावर जीरो ये भी क्या हो जाएगा 1, तो दोनों में से किसी पे भी इक्वल लगा दे, लेकिन हमें ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था
un जो है यूनिट स्टेप फंक्शन वो n इज इक्वल टू जीरो पे एग्जिस्ट करता है, वो कॉजल सिस्टम है, लेकिन एंटी कॉजल में अगर आप इक्वल लगा दोगे तो वो नॉन कॉजल बन जाएगा, क्योंकि n इज इक्वल टू जीरो पे अगर वैल्यू देता है तो ये प्रेजेंट वैल्यू कहलाती है। तो हमें इक्वल किस पे लगाना है, ये चीज ध्यान रखना, इस पे इक्वल नहीं लगाना, इसलिए यहां तो आ गया un, यहां पे क्या आ जाएगा u ऑफ माइनस एन माइनस वन, जो वहां पे u ऑफ माइनस टी था लाप्लास में वो यहां पे क्या होगा u ऑफ माइनस एन माइनस वन। अब हम इसका z ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, बहुत ही आसानी से निकल आएगा इसका z ट्रांसफॉर्म, देखिए x ऑफ z इज इक्वल टू, ये a है तो a पावर n इंटू यू एन का z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, z अपॉन z माइनस a, और ROC होता है मॉड z ग्रेटर देन मॉड a, और इसका मैग्नीट्यूड तो वही का वही रहेगा, तो मॉड z ग्रेटर देन 1 बाई टू। यहीं पे अगर एक हम माइनस निकाल के और एक माइनस कॉमन ले लें तो क्या इसको माइनस ए पावर एन इंटू यू ऑफ माइनस एन माइनस वन की तरह देख सकते हैं हम, तो इसका भी z ट्रांसफॉर्म वही आएगा, ये माइनस साइन z अपॉन z माइनस a, a की जगह यहां कितना है 2, और इसका ROC आ जाएगा मॉड z, एंटी कॉजल है तो लेस देन मॉड 2, यानी कि मॉड z लेस देन 2, मॉड 2 का मॉड 2 की वैल्यू 2 ही आएगी। साथ साथ ध्यान रखना है दोनों सिग्नल्स को हमें ऐड करना है, तो ROC क्या होना चाहिए, जिस पर इसका लाभ, ROC का मतलब होता है जिस पर z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करे, तो हमें ROC क्या रखना पड़ेगा, कॉमन वैल्यू जिस पर ये भी एग्जिस्ट करे और ये भी, ऐसा नहीं कि ये एग्जिस्ट कर रहा है ये नहीं कर रहा है, तो जब ये नहीं करेगा तो टोटल z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब हमें इंटरसेक्शन लेना है। तो अब इंटरसेक्शन कैसे देखेंगे, देख लीजिए इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार 1/2 लिख दिया कहीं भी, या आप चाहो एक्चुअल में लाप्लास में तो हम पॉइंट ले लेते हैं, लेकिन इसमें क्या बनाएंगे सर्किल, एक 1/2 रेडियस का सर्किल बना दिया, और एक कितनी रेडियस का सर्किल बनाना है 2 रेडियस का सर्किल, एक 2 रेडियस का सर्किल बना दिया। देखिए पहला ROC बोल रहा है ग्रेटर देन 1/2, तो इससे बड़ा, दूसरा ROC बोल रहा है हमारा देखिए अच्छे से लेस देन 2, लेस देन 2 मतलब बड़े वाले से अंदर की तरफ, तो आप देखिए कॉमन पार्ट कौन सा आ रहा है, कॉमन पार्ट ये बीच वाला आ रहा है, मतलब 1/2 से 2, तो इसका जो ROC आ जाएगा वो कहां से कहां तक आ जाएगा, 1/2 से 2 तक, तो इसका ROC हमारा आ जाएगा। अब हम इसी को सॉल्व कर लें तो इससे क्या मिल जाएगा, हमें z ट्रांसफॉर्म भी मिल जाएगा। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 2z यहीं से डायरेक्ट ही ले लो, z माइनस 1/2 इंटू जेड माइनस 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो जेड स्क्वायर माइनस 2z, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस जेड स्क्वायर माइनस 1/2 z। आगे बढ़ा देते हैं, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर हमारा कैंसिल हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो 4z माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जेड देखिए ये 2 का मल्टीप्लाई 4 माइनस कॉमन ले लिया और ये z आ गया, डिवाइडेड बाय इसका एक होल डिवाइडेड बाय 2 आएगा, टोटल में ये टोटल में डिवाइड है, साथ ही साथ यहां देखिए ये 2z माइनस 1 इंटू जेड माइनस 2, इसमें भी टोटल में डिवाइड 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो ये आ गया माइनस z, यहां पे कॉमन ले लीजिए ये z है तो कितना आ जाएगा, देखिए यहां पे 2z 4z और z कितना हो जाएगा, सॉरी 5z डायरेक्टली कितना आ गया ये 5z डिवाइडेड बाय 2z माइनस 1 इंटू z माइनस 2, और ROC हमारा क्या आया था मॉड z बिटवीन 1/2 से 2। तो देखिए इसका एक पोल तो यहां से निकल रहा है 1/2, दूसरा पोल यहां से क्या निकल रहा है, पहला पोल 1/2 निकला, दूसरे पोल की मैग्नीट्यूड क्या निकली 2 निकली, और ROC क्या है बिटवीन पोल, तो ये सिस्टम क्या कहलाएगा नॉन कॉजल सिस्टम कहलाएगा। आपसे बोला ये स्टेबल है या अनस्टेबल तो देख के बता सकते हो क्या, देखिए 1/2 और 2 के बीच में क्या यूनिट सर्किल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 1/2 और 2 के बीच में यूनिट सर्किल आ रहा है, मतलब दिस सिस्टम इज स्टेबल सिस्टम, तो ये सिस्टम हमारा क्या हो गया स्टेबल सिस्टम हो गया। अब हम एक क्वेश्चन देते हैं और आपसे पूछते हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछते हैं इसका ROC और z ट्रांसफॉर्म निकाल के बताइए, तो ROC इंपॉर्टेंट है, z ट्रांसफॉर्म तो कैलकुलेशन भर करना है, तो अभी इस क्वेश्चन में हम केवल ROC पे फोकस करेंगे। x ऑफ n इज इक्वल टू 1/3 पावर माइनस मॉड n प्लस 1/2 टू दी पावर n u of n माइनस
2 टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। आपसे पूछा केवल हमें इसका आरओसी बता दीजिए। आपको पहला काम तो ये करना है कि इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने बताया था एक बार n mod n इज इक्वल टू n रखिए, कब? पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो 1/3 यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू, सॉरी यहाँ पे आप क्वेश्चन में 3 लिख लीजिए। चलिए अभी यही रहने दीजिए, एक और आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। पॉजिटिव मॉड ऑफ n इज इक्वल टू, जब n आएगा तब कितना? पॉजिटिव वैल्यू के लिए। और प्लस मॉड ऑफ n इज इक्वल टू, जब माइनस n आएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस तब किसके लिए? नेगेटिव वैल्यू यानी कि एंटी कॉजल के लिए। प्लस 1/2 टू द पावर n माइनस 2 टू द पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। बस यहां से अब हमें केवल ROC की बात करी है। तो देखिए 1/3 पावर माइनस n को क्या हम 3 पावर n बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब हम सीधा सीधा ROC निकालने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पे मॉड ऑफ z, ये कॉजल सिस्टम है, कॉजल सिस्टम का ROC ये a पावर n इंटू यू एन का, आप लोग ROC डायरेक्ट याद कर लीजिए। पोल आता है नीचे z अपॉन a, तो ROC हो जाएगा ग्रेटर देन पोल, मतलब मॉड z ग्रेटर देन कितना होगा? ये 3 होगा। यहाँ पे देखिए ROC कितना होगा? मॉड z लेस देन 1/3। यहाँ पे ROC कितना होगा? ये u ऑफ n है, ROC होगा mod z greater than 1/2, और यहाँ पे ROC क्या होगा? mod z less than 2। ध्यान रखना इनका हमने z ट्रांसफॉर्म नहीं निकाला है, आप चाहो तो निकाल सकते हो। z अपॉन z माइनस 3 आएगा, तो ROC हो जाएगा greater than पोल। इसका आएगा z अपॉन z माइनस 1/3, एक माइनस कॉमन ले लेना यहाँ पे। इसका आएगा z अपॉन z माइनस 1/2, और इसमें ये माइनस हटके हो जाएगा z अपॉन z माइनस 2। और हमारा ROC क्या होगा? कॉजल के लिए ग्रेटर देन पोल और एंटी कॉजल के लिए लेस देन पोल। अब हमें सभी का इंटरसेक्शन निकालना है। देखिए यहीं पे एक बोल रहा है 3 से बड़ी वैल्यू। अब हम सर्किल बना के नहीं बता रहे, डायरेक्ट यहीं समझा दे रहे हैं। 3 से बड़ी वैल्यू, एक बोल रहा है 1/3 से छोटी वैल्यू। तो क्या कुछ भी कॉमन आ रहा है? यहीं पे कॉमन नहीं आ रहा है, तो हम बोल देंगे इसका ROC जो है वो नल है, यानी कि कोई भी ROC एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। फाई है इसी का, तो इसका मतलब है Z ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, आगे सॉल्व ही नहीं करना है। यही अगर हमारा क्वेश्चन, मतलब इसका क्या हो गया? ROC जो है वो नल हो गया। अगर हम यहीं पे लिख देते 3 पावर n, डायरेक्ट बता रहे हैं, अच्छे से समझिएगा। 3 पावर n अगर हमने लिख दिया, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं? 3 पावर माइनस n, मॉड n इज इक्वल टू n का होता है ग्रेटर देन 0 के लिए, तो यहाँ u ऑफ n हो जाएगा। प्लस मॉड n इज इक्वल टू माइनस n का होता है, तो यहाँ माइनस n रखोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा u ऑफ माइनस n माइनस 1 के लिए। और इसे ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस 2 पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। अब देखिए इसका z ट्रांसफॉर्म अगर आप निकालते तो कितना निकलता? z अपॉन z माइनस 3, और ROC होता मॉड, सॉरी इसको आप देखिए, सॉरी 3 पावर माइनस n को हम 1/3 पावर n लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा? z अपॉन z माइनस 3, ROC होगा मॉड z ग्रेटर देन 1/3, z अपॉन z माइनस 1/3। यहाँ पे देखिए इसका अगर हम z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो एक माइनस कॉमन ले लें और एक माइनस यहाँ लगा दें, तो इसका भी z ट्रांसफॉर्म वही आएगा, z अपॉन z माइनस 3, क्योंकि यहाँ a की वैल्यू क्या है? 3। इंटरसेक्शन निकालना है, तो ये ROC क्या हो जाएगा? मॉड z लेस देन 3, क्योंकि एंटी कॉजल सिस्टम है। साथ ही साथ हम इसका देखें तो ये कॉजल है, तो क्या आएगा? z अपॉन z माइनस 1/2, इंटरसेक्शन कितना? मॉड z ग्रेटर देन 1/2। और इसका देखें तो ये माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाएगा कितना? z अपॉन z माइनस 2, इंटरसेक्शन ROC हो जाएगा मॉड z लेस देन 2। दोस्तों इस टाइप का अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट है अब कॉमन ROC निकालना है। ये तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, तो z ट्रांसफॉर्म तो निकल आएगा। z ट्रांसफॉर्म तभी निकालना है आपको जब कॉमन ROC एग्जिस्ट करे, अदरवाइज आप बोलोगे z ट्रांसफॉर्म डज नॉट एग्जिस्ट। सारे पॉइंट्स बना लीजिए, सर्किल बना के सॉल्व करते हैं, लेकिन हम सर्किल नहीं बना रहे हैं, सीधा डायरेक्ट आपको लीनियरली समझा रहे हैं, उससे आसानी से समझ में आएगा। देखिए 1/3 और 1/2 में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? सबसे छोटी होगी 1/3, तो ये 1/3 वाली लाइन हो गई। फिर होगी 1/2, ये 1/2 वाली लाइन हो गई। हालांकि सर्किल से हमें सर्किल बनाना चाहिए, लेकिन उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे, डायरेक्ट समझ लीजिए। और फिर इसके बाद आएगी वैल्यू 2, फिर इसके बाद वैल्यू आएगी 3। अब देखिए आप कॉमन चारों में जो कॉमन होगा, पहला ROC है ग्रेटर देन 1/3, तो 1/3 से ग्रेटर पहला हो गया। दूसरा है लेस देन 3,
थ्री से छोटा, देखिए तो इनमें तो कॉमन दिख रहा है हमें, इतनी वैल्यू कॉमन दिख रही। तीसरा है 1/2 से बड़ा, अब इन तीनों में कॉमन कहां तक दिख रहा है, केवल ये पार्ट तीनों में कॉमन दिख रहा है। और चौथा है 2 से छोटा, अब चारों में कॉमन क्या दिख रहा है, चारों में कॉमन केवल ये पार्ट दिख रहा है। तो हम बोलेंगे फाइनल जो आरओसी आया है वो कहां से कहां तक आया, मॉड जेड बिटवीन दीज टू पोल, 1/2 से 2 तक हमारा आरओसी आ गया। तो ये सिस्टम तो नॉन कॉजल है, साथ साथ स्टेबल है कि अनस्टेबल, तो 1/2 और 2 के बीच में 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये स्टेबल भी सिस्टम है। तो ये स्टेबल भी हुआ और नॉन कॉजल भी हो गया। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और करेंगे हम, लाइक हमने दिया एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू -2 to the power -mod n + -1/2 to the power n, यहां पे 1/3 कर देते हैं un, और -3 to the power n u ऑफ माइनस एन माइनस वन। चलिए इसका हम आरओसी निकाल के देखते हैं, z ट्रांसफॉर्म तो आप आसानी से निकाल लोगे। यहां पे हम पहले आपको बता दें, देखिए फिर से वही -2 to the power, एक बार जब mod n पॉजिटिव वैल्यू, mod n इज इक्वल टू n कब होता है, जब n ग्रेटर देन 0 हो, तो un का मल्टीप्लाई, प्लस mod n इज इक्वल टू माइनस एन कब होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब n लेस देन 0 हो, तो u ऑफ माइनस एन माइनस वन, और ये तो यही का यही रहेगा, -1/3 power n un, और ये -3 power n u ऑफ माइनस एन माइनस वन। अब हम डायरेक्ट z ट्रांसफॉर्म निकालने की वजह सीधा सीधा ROC निकाल सकते हैं, लेकिन आप चाहो तो z ट्रांसफॉर्म भी निकाल सकते हो। देखिए a की वैल्यू है -2, तो इसका ROC आएगा z अपॉन z माइनस माइनस टू, तो ये प्लस हो जाएगा, और इसका ROC क्या आएगा, मॉड z ग्रेटर देन, पोल कितना है इसका, z इज इक्वल टू -2, लेकिन उसका मॉड लेना है हमें, -2 का मॉड, तो कितना हो जाएगा, ये +2 हो जाएगा। इंटरसेक्शन दूसरे का देखिए, यहाँ एक माइनस हम कॉमन ले लें, तो एक माइनस ये हो जाएगा, यहाँ a की वैल्यू कितनी है -2, तो आएगा z अपॉन z माइनस और माइनस टू, तो +2, इसका पोल कितना है -2। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गई, एक मिनट देखना, ये माइनस एन है, तो इसको हम लिख सकते हैं -1/2 to the power n, तो ये आपका 1/2 हो जाएगा, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, 1/2। यहाँ पे देखिए पोल कितना है -2, एंटी कॉजल सिस्टम है, तो मॉड z आएगा आपका लेस देन -2 का मॉड, और -2 का मॉड कितना होगा, 2 ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा प्लस z अपॉन z प्लस 1/3, z माइनस a, माइनस की जगह a की जगह कितना रखोगे, -1/3। ROC कितना आएगा, कॉजल है तो ग्रेटर देन पोल, पोल कितना है -1/3, मॉड लोगे तो आ जाएगा 1/3। एंड फिर से इंटरसेक्शन, यहां पे आएगा ये माइनस यहां पे है, तो माइनस ऑफ a पावर n इंटू u ऑफ माइनस n माइनस 1 का जो z ट्रांसफॉर्म होता है, वो होता है z अपॉन z माइनस a, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे तो कोई माइनस नहीं है अलग से, थ्री यहाँ पावर के ऊपर, पावर इस कोष्ठक के अंदर कोई माइनस नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा -3। तो ROC कितना होगा, मॉड z लेस देन, पोल कितना है z -3 = 0 रखोगे तो पोल आएगा z = 3, तो कितना आ जाएगा 3। एंटी कॉजल के लिए ROC होता है मॉड z लेस देन पोल। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो z ट्रांसफॉर्म तो निकल आएगा, लेकिन सॉल्व तभी करना है जब कोई कॉमन ROC आ रहा हो। तो अब हम बात करते हैं ROC की, देखिए वैल्यू फिर से वही की वही, एक 1/3 है, एक 1/2 है, एक 2 है, एक 3 है। पहला ROC ग्रेटर देन 1/2, तो ग्रेटर देन 1/2, दूसरा ROC लेस देन 2, तो लेस देन 2, तीसरा ROC ग्रेटर देन 1/3, ग्रेटर देन 1/3, और चौथा ROC लेस देन 3।
कॉमन पार्ट अभी भी देखोगे चारों में आ रहा है जो पार्ट, वो कहां से कहां तक है, 1/2 से 2, तो मॉड z कहां से कहां तक, 1/2 से 2। इसमें ये क्या हो गया आपका, बिटवीन द पोल है तो आपका नॉन कॉजल सिस्टम है, साथ साथ 1/2 और 2 के बीच में यूनिट सर्किल आ रहा है, इसका मतलब ये स्टेबल भी है। दोस्तों ध्यान रखना, आपका भले ही पोल नेगेटिव निकले लेकिन आरओसी में आपका नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी, क्यों, क्योंकि आरओसी हम देखते हैं मॉड यानी कि पोल की क्या मैग्नीट्यूड लेना है। तो इस टाइप से दोस्तों जेड ट्रांसफॉर्म अभी बहुत बचा हुआ है, अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन और भी करेंगे। हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग प्लेलिस्ट चेक कीजिए, प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, रैंडम वीडियो से पढ़ाई नहीं हो पाएगी, आपको लॉजिक ही समझ में नहीं आएंगे, तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई कीजिए, शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, हम बार बार बोलते हैं आपसे, जिससे बाकी लोगों को इसका फायदा मिल सके। थैंक यू सो मच।